सो जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम टू माय न्यू कैंपिंग वीडियो। तो दोस्तों पहुंच चुके भाई अपनी कैंपिंग लोकेशन पर, और जो लोकेशन भाई इतनी अल्टीमेट है ना कि मतलब काफ़ी अल्टीमेट है। तो जो आपको व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, व्यू आप देख सकते हो पीछे की साइड टॉप बिल्कुल पहाड़ी, और मौसम भाई इतना ज़्यादा ख़राब है ना, थोड़ी देर में बारिश हो सकती है। और अभी जो शाम के हो रहे भाई, शाम के 6:30 हो रहे हैं। और बात करूँ भाई बॉनफायर की, तो बॉनफायर आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी रात पूरे दिन बारिश पड़ी है, जिससे हम बॉनफायर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारी लकड़ी गीली है। और आपको दिखाता हूँ, इससे पहले भाई कुछ बरसात हो या कुछ हो, रेन हो, तो भाई करते पहले टेंट पिच, फिर आपको व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों टेंट हो चुका है भाई अपना पिच, और जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और भाई सनसेट हो चुका है, आपको दिखाता हूँ भाई पहले टाइम स्लैप्स में सनसेट, फिर दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा। तो दोस्तों भाई टेंट पिच करने के बाद मैं थोड़ा एंजॉय किया, शाम का टाइम हो रहा था उस टाइम से चाह सकिया, थोड़े इधर उधर घूमे। घूमने के बाद में भाई बारिश होने लगी काफ़ी तेज़ी से, तो आके भाई अपने टेंट में बैठ गए। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए भाई बारिश कितनी तेज़ हो रही है। देखा दोस्तों कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो भाई बनाते कुछ खाने के लिए, टाइम हो रहा है 7:30, 7:30, 7:45 का टाइम हो रहा है, और बनाते कुछ खाने के लिए। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है खाने के लिए, तो आपको दिखाता हूँ भाई। तो दोस्तों खाने में जो बना रहे हैं भाई कुछ स्पेशल बना रहे हैं। तो पहले करते हैं भाई चॉपिंग, और उससे पहले भाई जो हम बना रहे हैं भाई पास्ता बना रहे हैं। तो पास्ता बनाने के पहले पास्ता करते भाई बॉयल। और बता दूँ भाई बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंकने का मतलब सुन रहे हो दोस्तों, या तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है, या तो कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता, या फिर कोई जंगली जानवर है जो उनको दिखाई दे रहा है। तो करते भाई चॉपिंग, कुत्ते भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए। अपना टेंट बंद करें हम सेफ अंदर, तो करते भाई अपना स्टार्ट। दोस्तों अपने पास्ता भाई बॉल करने के लिए रख दिया और पास्ता साइड बाय साइड हमारे बॉल उतरेंगे और हम करते भाई अपनी चॉपिंग। तो चॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है और प्याज काटे तो भाई देखना हाल, आँखें देखो भाई लाल हो रही होंगी, पानी बह रहा है। तो प्याज काटने में इतनी चिरमिराहट वाली प्याज है, जल वाली है, आँखों में आंसू आ गया। ऊपर से बारिश जो पड़ी है बाहर, उसकी उमस से भी मतलब कि अंदर थोड़ी गर्मी सी लग रही है काफ़ी। और ऊपर से भाई अपना पास्ता भी बॉयल हो रहा है तो इसका भी भवका अंदर ही अंदर ज़्यादा गर्मी कर रहा है। तो दोस्तों पास्ता हो गए भाई हमारे बाउल, ये देखिए बढ़िया वाले। अब इनको उतारते भाई। अब रखते भाई अपनी कढ़ाई, ठीक है जी। तो दोस्तों अब डालते भाई इसमें तेल। तो भाई तेल गरम होने देते हैं और बनाएंगे पास्ता अपनी देसी स्टाइल में भाई। थोड़ी धीरे आंच में करेंगे ताकि जीरा जले ना। डालते भाई इसमें अपनी प्याज। थोड़ा भाई पास्ता हिला लेते हैं वरना ये नीचे जम जाते हैं। डालते भाई इसमें सॉल्ट। अपने पास 8 तरह के मसाले भाई सारे डाल देते हैं जो भी है। के भाई अपने सारे मसाले अब करते हैं इसको मिक्स। थोड़ा सा डालते हैं इसमें पानी। हरी सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप, और ये लाया था भाई मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। डालते इसमें भाई पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। दोस्तों बारिश ने मज़ा खड़ा कर रखा है, कुछ भी कहो भाई। तो दोस्तों अपने पास्ता भाई रेडी, और दिखाते भाई आपको पास्ता कलर क्या बेहतरीन बनाए। देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है ना भाई, अल्टीमेट। खा के देखते हैं फिर बताते हैं आपको भाई कैसे बनाए। तो दिखाता हूँ भाई आपको पास्ता। ये देखिए भाई पास्ता कितना बेहतरीन कलर में आ रहा है भाई, देख रहे हो। आपको वीडियो में कुछ थोड़ा कलर अलग लग रहा है, बल्कि इसका रेड टेक्सचर है थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको येलो येलो दिखेगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो ये देखिए भाई कितना बेहतरीन, क्योंकि मैंने भाई प्योर देसी स्टाइल में बनाया पास्ता। लेकिन खाते हैं फिर बताते हैं भाई आपको कैसे बनाया अपना ये डिलीशियस पास्ता। लेते भाई बॉल और डालते भाई अपना पास्ता। इतना मेरे लिए भाई काफ़ी है, क्योंकि मैंने अपने अकेले के लिए, मुझे पता है मुझे कितना खाना है, तो मैं उस हिसाब से अपने लिए बनाया। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो तो ये देखो भाई कितना अल्टीमेट लग रहा है। और इसके साथ अपनी ये फॉग, ये देखो लग रहा है ना भाई बेहतरीन। तो भाई अपना पास्ता रेडी, तो खाते भाई अपना पास्ता फिर बताते भाई कैसे बनाना। भाई टेस्ट के चक्कर में गरम गरम खा लिया, अपनी जीभ जला ली मैंने। साथ के साथ में जो खाने का मजा आ रहा है ना भाई, अल्टीमेट आ रहा है। मजा आगा। ओए होए होए भाई, प्योर देसी स्टाइल में बनाया था। अब बारिश की आवाज़ देखो भाई, सुन के कानों में मधुर मधुर सी आवाज़, और गरम गरम पास्ता, वो भी देसी स्टाइल, मज़ा खड़ा कर रहा है। तो भाई पास्ता पहले फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अपने भाई खाना पीना ख़त्म, खा चुके हैं, और अब करते भाई सोने की तैयारी। और भाई बारिश कॉन्टिन्यूसली लगातार पड़ रही है, और बाहर से बता दूं भाई जानवरों की आवाज़ भी आ रही है। तो करते भाई सोने की तैयारी, ये सारा सामान रखते हैं साइड में, और एक तरफ की साइड लगाते अपना बिस्तर, और भाई सोते हैं। दोस्तों सामान सारा भाई मैंने रख दिया अपना साइड में, करते भाई सोने की तैयारी और लगा चुके भाई बिस्तर और सोते हैं। और भाई अपना हथियार अपने पास अब हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई जानवरों की आवाज़ काफ़ी देर से आ रही है। और बता दूँ थोड़ी देर पहले भाई लेपर्ड की आवाज़ भी आई थी, लेकिन हम टेंट के अंदर थे, बारिश थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तो रखते भाई अपने साइड में यहाँ पे ऐसे सोते दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भाई गुड नाइट। दोस्तों